अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हुए हैं द मैन हु लव्ड आइलैंड्स बाय डीएच लॉरेंस। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर जो हैं वो डीएच लॉरेंस हैं। 11 सितंबर 1885 में इनकी बर्थ हुई थी और 2 मार्च 1930 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, एसिस्ट भी हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं ऑफ 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी के लिटरेचर को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने बहुत से नॉवल्स और पोइट्री के वॉल्यूम को पब्लिश करवाया अपने लाइफ टाइम के अंदर। इनके जो बेस्ट वर्क्स हैं वो है सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, लेडीज चैटरलेस लवर। ये इनके बेस्ट वर्क्स माने जाते हैं। अगर इनके हम लोग लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो जो लॉरेंस थे, ठीक है, जैसा कि इनके फादर एक कॉल माइनर थे, उन्होंने जब वो 10 साल के ही थे अपने लाइफ के अंदर ना काम करना शुरू कर दिया था। वो एक डायलेक्ट स्पीकर भी थे, एक ड्रिंकर भी थे और साथ ही साथ जो है ना इलिटरेट पर्सन भी थे, रियली लिटरेट कह सकते हैं हम लोग। लेकिन जो इनकी माँ है वो साउथ इंग्लैंड की एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। वो खुद भी बहुत एजुकेटेड थी, रिफाइंड थी और बहुत नेक खातून थी। जो लॉरेंस थे उनको स्कॉलरशिप मिला था नॉटिंघम हाई स्कूल से, और जब वो 16 के थे तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी लिविंग हुड के लिए काम करना था। तो उन्होंने अपनी लिविंग हुड के लिए एज अ क्लर्क एक फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब इनको निमोनिया हो गया था, उस निमोनिया की बेस पे इनको गिव अप करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है ना ये 1906 से 1908 की बात है, इन्होंने ना एज अ टीचर्स सर्टिफिकेट अर्न किया था, ठीक है, टीचर का सर्टिफिकेट अर्न किया था यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम में। और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने पोइम्स लिखी पहले, फिर स्टोरीज लिखी और अपना फर्स्ट नॉवल ड्राफ्ट किया द वाइट पीकॉक, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे फर्दर जो इनके स्टाइल है उसके ऊपर। इनका स्टाइल जो है वो लिरिकल है, सेंसुअस है, रैप्सोडिक प्रोज स्टाइल है इनका। रैप्सोडिक प्रोज स्टाइल कौन सा स्टाइल होता है? ये स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लिखते हैं, ठीक है, ऐसा स्टाइल है इनके अंदर। जो हम अगर बात करें ना अपने मैसेजेस को कन्वे करने की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी टू कन्वे अ सेंस इफ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस एंड राइटिंग ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हिज कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। इफ़ नहीं ऑफ आना है यहाँ पे। अच्छा, इनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना स्पेशलिटी है, एबिलिटी है कि जो स्पेसिफिक टाइम और प्लेस है ना उसके बारे में ना अपनी राइटिंग के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। इनकी जो राइटिंग है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है और मोस्टली जो इनके वर्क्स होते हैं ना उनके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हम लोग को लाजमी नज़र आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, ठीक है, इसके करेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें एक करेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मिस्टर कार्टहार्ट। मिस्टर कार्टहार्ट को द मास्टर का नाम भी दिया गया है और आइलैंडर का नाम भी दिया गया हुआ है। इनको आइलैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी के, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी है स्टोरी के अंदर। और ये जो है ना आइलैंड के अंदर पैदा हुए और जब एक आइलैंड में पैदा हुए थे ना उनको इसी बेस पे आइलैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। ये 30 ईयर्स ओल्ड के हैं तकरीबन और इस इनको ना आइलैंड के अंदर जहाँ पे ये रह रहे हैं ना इनको वो वाला आइलैंड पसंद नहीं है, इसलिए दूसरे आइलैंड में मूव कर जाते हैं। स्टोरी में देखेंगे हम लोग तकरीबन थर्ड आइलैंड पर भी जाएंगे। और साथ ही साथ इस करेक्टर को ही लव्स टू बी अलोन, उनको अकेला रहना पसंद है, तनहा रहना पसंद है, तो वो भी जिक्र करेंगे हम इस स्टोरी के अंदर इनकी लोनलीनेस का। ये साइकोलॉजिकल करेक्टर है ये स्टोरी के अंदर। हम लोगों के सामने एक आइडलिस्ट के तौर पे सामने आएंगे। डेलिकेट और सेंसिटिव इनकी नेचर के बारे में बताया गया हुआ है। साथ ही साथ इनके बुक रीडिंग के बारे में बताया गया कि इनको ज़्यादातर टाइम जो है ना वो स्टडी के साथ स्पेंड करना पसंद है। और जो है ये एक बुक के ऊपर काम करें उसको पब्लिश करवाने वाले हैं। इनकी शादी होती है, उससे इनको बेटी होती है और उसके बाद जो है अपनी बीवी को छोड़ के तीसरे आइलैंड पे चले जाते हैं। तीसरे जब आइलैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, हैवी स्नोफॉल होती है और वो जो है इनके दरवाज़े के करीब इतनी ज़्यादा भर जाती है कि इनके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये करेक्टर के बारे में बताया गया था। समरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो समरी है द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, ये समरी जो है ना इसकी, ये बेसिकली स्टोरी जो है एक ऐसे आदमी के बारे में बात करती है जिसको पैशनेटली आइलैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है
वो डिफरेंट आइलैंड्स में जाना पसंद करता है, वहाँ पे रहना पसंद करता है। इसको लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद, इसको लोनलीनेस पसंद है, ठीक है, इसको एलिनेशन पसंद है, ठीक है, ये रूटलेसनेस की लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करता है लोगों के दरमियान बहने के मुकाबले में। तो ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है एक, और इसके अंदर क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर बेसिकली जो एक तन्हाई पसंद शख्स है जिनका नाम मिस्टर कॉट हार्ट है, उन्हीं के बारे में बताया गया हुआ है कि जो कि तन्हाई पसंद है और इसको लाइक आइलैंड से मोहब्बत है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब ऐसा होता है कि सवाल पैदा हो के आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स जो है ना वो बेसिकली पार्ट और फिनोमेना है नेचर का, ठीक है। तो इस स्टोरी के थ्रू जो हमारे पास राइटर है डी एस लॉरेंस, उसने प्रूव क्या किया है, वो ये प्रूव करना चाहता है कि जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं नेचर से और डिटैचमेंट कर लेते हैं सोशल सर्कल से, वो आदमी के लिए ना हार्मफुल होता है। कहता है एक जो आदमी होता है ना वो क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो उसको लाज भी सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए। तो जो स्टोरी का सेंट्रल थीम भी है ना वो यही है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन। ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना खुद ह्यूमन नहीं होते, तो इसलिए जो है ना आदमी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेना इससे नेचर से डिस्करेज करता है, ये राइटर का व्यू है। और इस स्टोरी के अंदर जिस आइलैंडर की बात की गई है ना, वो आइलैंडर बेसिकली क्या है, वो ऐसा बंदा है जो कि मैंने आपको बताया पहले भी उसी बात को रिपीट कर रही हूँ, सोशल सर्कल्स में रहना पसंद नहीं करता, इवन के जहाँ पे ये जो आइलैंड विजिट भी करता है वहाँ पे भी ये लोगों से दूर ही रहता है। ये ऐसा बंदा है जो कि ऐसी जगह चाहता है जहाँ पर कोई उसको टेंशन ना हो, कहीं पे भी कोई करप्शन ना हो, ठीक है, करप्शन फ्री सोसाइटी हो, टेंशन फ्री सोसाइटी हो। तो इसलिए जो है ना वो प्लेस टू प्लेस मूव कर रहा है, और उसके बाद जो है ना जब वो प्लेस टू प्लेस मूव कर रहा है ना, यानी कि आइलैंड टू आइलैंड मूव कर रहा है ना, जब वो थर्ड आइलैंड पे जाता है बिल्कुल अलोन रह रहा होता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है और वो अपने घर के अंदर फंस जाता है। तो ये चीज़ जो है ना इंडिकेट कर रही है वही बात जो कि मैंने पहले अभी आपको बताई थी कि जो नेचर होती है ना उससे ज़्यादा अटैचमेंट कर ली जाए तो वो आपके लिए हार्मफुल होती है। ये राइटर का व्यू है जो कि राइटर स्टोरी के थ्रू हम तक कन्वे कर रहा है, लेकिन मेरा व्यू इससे थोड़ा सा क्लैश में है, मैं थोड़ा सा ऑपोजिट व्यू रखती हूँ अपना बताऊँ तो, क्योंकि बेसिकली आई एम अ लवर ऑफ नेचर, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि इंसान जो है उसको नेचर से रिलैक्सेशन मिलती है। खैर स्टोरी को डिस्कस करते हैं। मिस्टर कॉट हॉट जो है वो एक आइलैंड पे पैदा हुए हैं, लेकिन जो है ना ये आइलैंड इनको सूट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इसका अपना एक आइलैंड हो जहाँ पे ये अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके और इसकी अपनी ही दुनिया हो वहाँ पे। तो इसलिए जो आइलैंडर है ना वो एक आइलैंड एक्वायर करता है 4 miles अराउंड विथ 3 cottages ऑन इट। लेकिन जो ये आइलैंड है बेसिकली सिनिस्टर साइड भी है इसकी। क्या होता है कि ये कहता है टाइमलेस वर्ल्ड है यहाँ पे, जहाँ पे सोल्स ऑफ डेड जो है ना वो लिव अगेन, ऐसा हो जाता है इस आइलैंड पे। कहता है यहाँ पे जो रात के वक्त जो चीज़ें होती हैं ना वो जो अनकैनी दिखती हैं वो दिन में थ्रेटनिंग देखने लग पड़ती हैं इसको, लेकिन जो ये खौफ दिल में पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं ना उनसे एस्केप लेने के लिए ना क्या करता है, वो कंसंट्रेट करता है मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ द आइलैंड, और वो कोशिश करता है इसको अपने तौर पर इसके अंदर ग्रेशियस स्पिरिट डाल दे, ठीक है। और बुक की लाइन है वर्ल्ड ऑफ प्योर परफेक्शन मेड बाय मैन हिमसेल्फ, ऐसा आइलैंड बना दे इसको, एक प्योर परफेक्शन वाला आइलैंड। वो ना इसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर देता है आइलैंड के ऊपर, वो अपने साथ एक हाउसकीपर एक बटलर लेके आता है जिस आइलैंड पे वो पहले रह रहा होता है ना उस आइलैंड से, जो कि उसके अबाओ अजदाद का आइलैंड था ना वहाँ से, और उनको लाकर ही पूरा आइलैंड जो है ना बड़ा इस्टेब्लिश सा कर देता है। इस आइलैंड पे ग्रीनरी भी है, बर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़ आती है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। सीजन्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे लाइक सारे सीजन आते हैं इसके अंदर इस लैंड के ऊपर। और जो आइलैंडर है वो यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक से होते हैं, इस बेस पे जो है ना वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जो है ना वो फिर दूसरे आइलैंड पे जाता है। जब वो दूसरे आइलैंड पे जाता है ना तो ये वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है,
ये आइलैंड जो होता है ना स्मॉलर होता है प्रीवियस वन से। जब ये इस आइलैंड पे आता है ना तो इसके साथ कुछ कंपेनियन भी होते हैं, ये वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, बहुत ही काम करता है और इस आइलैंड को जो है ना एक प्लेस बना देता है ऐसी जहाँ पे वर्थ लिविंग प्लेस होती है। ये शादी कर लेता है, जब एक शादी करता है ना तो इसकी एक बेटी होती है ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ना ये आहिस्ता आहिस्ता सोचता है कि जो आइलैंड है ना ये भी रोटेन है इसके लिए, तो ये सोचता है कि अब जो है ना वो इस आइलैंड को छोड़ जाएगा और दूसरे आइलैंड पे चला जाएगा। वो अपनी वाइफ को अपनी बेटी को छोड़कर उस लैंड की तरफ उस आइलैंड की तरफ ट्रैवल कर जाता है और वहाँ बड़ी पीसफुली अपनी लाइफ गुजार रहा होता है ठीक है। बड़ा प्राउड फील करता है कि मतलब जिस जगह पे है जगह बड़ी अच्छी है। ये थर्ड आइलैंड जो है बड़ा हैबिचुएटेड होता है, ये वहाँ पे बिल्कुल जो बे है बे के करीब ही अपना हाउस बनाता है और ताकि वहाँ पे ना अपनी जो है ये बोट रखता है ताकि उस बे से इजीली अपनी बोट को पास थ्रू कर सके गुजार सके। ये वहाँ से सी साइड देखता है ठीक है और इन्जॉय करता है बर्ड्स को प्लांट्स को जो कि इर्द गिर्द हैं समंदर के। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली ऐसा होता है कि ना ये इंसानों से तो नफरत करता ही था ना, अब ये जानवरों से भी नफरत करने लग पड़ता है। मतलब चाहता है कि अब सारे जानवरों को ये मार दे, सिर्फ और सिर्फ ये समंदर की आवाज़ सुने और उसको ये इंजॉय करे। इसको हम मिसएंथ्रोप कह सकते हैं ठीक है। सीज़न भी चेंज होते हैं यहाँ पे, जो आइलैंड है ना ये हैवी स्नो से कवर्ड होता है और जो स्नो होती है ना इसको बड़ा ज़्यादा खुश कर देती है। खुश इसलिए करती है क्योंकि सोचता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो है इसका मतलब कोई भी इंसान जो है ना यहाँ पे मज़ीद आएगा नहीं, और यहाँ पे लगता था कि हर टाइम जो है ना अंधेरा ही रहेगा, रात ही रहेगी, दिन कभी भी नहीं आएगी, मॉर्निंग सीम्ड नेवर टू कम। अब एक दिन क्या हुआ इस थर्ड आइलैंड के ऊपर, ऐसा हुआ कि ना बहुत ही तेज़ तूफान आ गया ठीक है, बहुत ठंड थी कि सब कुछ जम जाएगा और जो सूरज है ना वो कहीं पे निकलेगा ही नहीं, ऐसी सूरत हाल हो गई थी। हर जगह जो है ना वाइट वाइट था स्नो से। अब जब हर जगह स्नो से वाइट वाइट हो गया तो उस टाइम क्या हुआ कि लाइफलेस सराउंडिंग्स लगने लगी, स्नो जो थी ना बहुत तेज़ी से ना बरसने लग पड़ी थी, स्नो फॉलिंग बहुत तेज़ी से होने लग पड़ी थी। जब बर्फ़ बहुत तेज़ी से गिर रही थी ना तो उस रात क्या हुआ, जो उस रात ऐसा हुआ कि जो पहाड़ थे ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ठीक है दिखने लग पड़े थे। अब वो ब्लैक किस तरह से, वो जो बर्फ़ गिरने से बड़े वाइट हुए थे ना, सूरज निकल आया। अब जो सूरज निकल आया वो सारी वाइटनेस ही ख़त्म हो गई, हर जगह क्या हुआ ब्लैकनेस हो गई ठीक है। तो वो जब वाइटनेस ख़त्म हुई ब्लैकनेस आ गई तो फिर क्या हो गया, मौसम फिर से चेंज हो गया और बहुत ही किस्म का सवेर किस्म का मौसम हो गया था हॉट। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से स्नो हुई, जब बहुत ज़्यादा स्नो हुई तो फिर वाइटनेस हो गई और सूरज का निकलना बेकार गया। और जब सूरज का निकलना बेकार गया तब क्या हुआ कि उस रात बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया। जब बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया तो हर जगह स्नो ही स्नो हो गई, इवन के स्नो इतनी ज़्यादा हो गई कि जो स्नो था ना उसने उसके घर को ही कवर कर दिया था ठीक है। अब जब उसके घर को ही कवर कर दिया तो वो आदमी जो था वो अपने घर के अंदर फंस गया और उसका उसके घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये खुद एक निगेटर था नेचुरल रूल्स का, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, ही वॉज मॉक्ड बाय नेचर। यहाँ पे हमारी जो है ये समरी ख़त्म हुई। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्रिटिकली, जो कि मैंने आपको साथ साथ बताया था कि राइटर का पर्पस क्या है इसके अंदर बताना, कि आदमी एक सोशल एनिमल है तो उसको सोसाइटी में रहना चाहिए। जब सोसाइटी से दूर होता है ना और नेचर को सब कुछ समझ लेता है फिर नेचर भी उसका मजाक उड़ाती है। यहाँ पे स्टोरी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।